हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम फिटर थ्योरी आईटीआई का चैप्टर सुरक्षा एवं सावधानी में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, वो है प्राथमिक उपचार, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं प्राथमिक उपचार क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक उपचार क्या है। तो प्राथमिक उपचार, जैसे किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो जाती है या किसी काम करते समय किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्यक्ति को हड़बड़ाहट होने लगता है, दर्द होने लगता है या सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उस समय यह कट जाता है। तो उस समय जो हमारे पास अवेलेबल जो मेडिसिन या फिर जो चीज़ मौजूद रहता है, तो उससे हम उसे राहत देने के महसूस करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से डिफिनेशन के रूप में समझते हैं क्या होता है। देखा, वो प्राथमिक उपचार, घायल व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पहले जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, जो व्यक्ति घायल है उसे चिकित्सक, जब तक डॉक्टर ना जाए उसके आने से पहले तक, डॉक्टर को आने से पहले तक जो उपचार किया जाता है, जो डॉक्टर के आने से पहले तक जो उपचार किया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है तो उसे कुछ राहत महसूस करने के लिए जो डॉक्टर के आने से पहले जो हम उसे मेडिसिन देते हैं या कुछ ऑप्शन या कुछ और चीज उसे देते हैं, तो उससे जो उसको राहत मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब देखिए सीपीआर क्या होता है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पुलमोनरी रिसस्टिटेशन, कार्डियो पुलमोनरी रिससिटेशन। ठीक है, यह क्या, यह एक प्रकार का प्राथमिक उपचार है। सीपीआर क्या है, यह एक प्रकार का प्राथमिक उपचार है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सांस लेने में असमर्थ हो जाए, जब कोई व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होता है, दिक्कत महसूस करता है या बेहोश हो जाए, या फिर व्यक्ति बेहोश हो जाए, बेहोशी का हालत में हो जाए, या हार्ट अटैक आ जाए, क्या हो जाए, सांस लेने में असमर्थ हो, बेहोश हो जाए या फिर हार्ट अटैक आ जाए, तब सबसे पहले और समय पर जो व्यक्ति को सबसे पहले और समय पर जल्दी में, जो उसी समय जब व्यक्ति बेहोश हुआ या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रहा, तो उसी समय समय पर सीपीआर देना चाहिए। तो सीपीआर एक तरह का प्रोसेस है, जो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस समय दिया जाता है। तो सीपीआर हमेशा यहाँ पे दोनों हाथ को इस तरह से मुट्ठी बांध के ऐसे प्रेस कर किया जाता है चेस्ट के पास। ठीक है, तो सीपीआर आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है सीपीआर का, अब इसको हम बारी बारी समझते हैं सीपीआर का क्या होता है। मतलब तो सी हो गया कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है, लिखा हुआ कार्डियो का मतलब होता है दिल, जिसे हार्ट कहते हैं। कार्डियो का मतलब होता है दिल, जिसे हार्ट कहते हैं। सेकेंड है पुलमोनरी, पुलमोनरी का मतलब होता है फेफड़े से संबंधित, ये क्या होता है, फेफड़े से संबंधित, से हम लंग्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट है रिससिटेशन, यह एक मेडिकल शब्द है, यह क्या है, एक मेडिकल शब्द है। यह शब्द क्या है, यह एक मेडिकल शब्द है जिसका मतलब होता है पुनः जीवित करना। रिसस सीटेशन का मतलब क्या होता है, पुनः जीवित करना। ठीक है, यह मेडिकल शब्द है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अभी जो सीपीआर है यहां तक तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक उपचार के समय उठाया गया पहला कदम तीन प्रकार के होते हैं। जो प्राथमिक उपचार हम देते हैं तो उसे कितने तरह से बांटा गया है, प्राथमिक उपचार को तीन प्रकार से बांटा गया, कितने प्रकार बांटा गया, तीन प्रकार से होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम आईटीआई के एग्जाम में जो पढ़ना है आपको। मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के व्यू से भी और कंपटीशन के व्यू से भी, आपका सेमेस्टर में भी काम आ जाएगा। जो तीन प्रकार कौन कौन है, जो ए बी सी है, ए बी सी के नाम से हम जानते हैं। प्राथमिक उपचार के समय उठाए गए तीन प्रकार के कदम कौन कौन है, ए बी सी के रूप में हम जानते हैं। तो पहला ए का मतलब क्या होता है, ए का अर्थ होता है एयरवे, अर्थात एक मतलब एयरवे, उसका मतलब होता है अर्थात वायु मार्ग या हवा नली। जो जैसे हम सांस लेते हैं, जिससे सांस मेरा जा रहा है, वो सांस लेने में हमें कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है वायु मार्ग में, रास्ते में
या कोई तरह की परेशानी तो नहीं आ रहा है उसके उसके बारे में ये जान ये है वही मार्क या फाइनली बी है ब्रेथिंग अर्थात है इसका मतलब होता है श्वसन प्रक्रिया या सांस लेना, जैसे सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसके बारे में हमें किसमें ब्रेथिंग का मतलब होता है श्वसन प्रक्रिया, सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसमें हमें जानना है। तो सांस नहीं ले रहे तो उसे नाक के पास हल्का सा हाथ रख के चेक करेंगे सांस ले रहा तो पता चल जाएगा, ठीक है। सी का अर्थ होता है सर्क्यूलेशन अर्थात परिसंचरण या रक्त संचरण, इसमें रक्त का बहाव हो रहा है कि नहीं, सही से पूरे बॉडी में रक्त का फ्लो हो रहा है कि नहीं इसके बारे में हम लोग सर्कुलेशन में जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी का मतलब हो गया एयरबेस ब्रेथिंग और सर्कुलेशन, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी है और वीडियो फिटल थ्योरी के आते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।